अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फी साजद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि सीजी होंडा 125 जो है 2024 मॉडल, तो उसमें कंपनी ने क्या तब्दीली की है। तो अभी हम ये मोटरसाइकिल लेकर आए हैं, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं भाई अब्बास साहब, तो उन्होंने ये ख़रीदा है, तो साथ मैं गया हुआ था। तो आपको दिखाता हूँ कि इनमें इसमें कंपनी ने क्या तब्दीली की। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अभी 25 किलोमीटर ही चला है, क्योंकि हमारा जो शहर है ज़िला मंडी बालदीन, वो हमसे तकरीबन इतना बन जाता है, वो शहर काम था वहाँ भी गए हैं, तो ये अभी लेकर आए हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें कंपनी ने क्या तब्दीली की है। तो सबसे पहले आपको इसका मार्का दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कंपनी ने मार्का दिया है हमको 24 में, ठीक है, नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर आप टापे की शेप चेक करते हैं तो देखते हैं तो वो ये है, ठीक है। मेन तो जड़ी मेन तो सबसे जो बड़ी तब्दीली है वो ये है, ठीक है, ये मार्का आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो उन्होंने तब्दीली की है वो हम फ्रंट से शुरू करते हैं और पीछे तक ले जाते हैं। अगर आप सामने से देखते हैं तो इशारे वगैरह सेम वही है, हेडलाइट सेम वही है, लेकिन ये जो मोनोग्राम है ना दोस्तों, ये उन्होंने 24 में तब्दील की है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया। तो पहले आप जानते हैं कि वो बड़ा था, तो उन्होंने इसको छोटा किया, और साथ उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि निकल किया है। तो इसके अलावा ये जो लाइट आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इस 24 में भी आई है, पहले नहीं आ रही थी, तो ये उन्होंने तब्दीली की है। वैसे ये पहले जो ड्रीम मोटरसाइकिल था ना, उसके साथ ये आ रही थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ भी लगा दी है, ठीक है। उसके आगे अगर बात करते हैं तो ये जो हमारे हब हैं, तो ये कंपनी ने अब निकल करके भेजे हैं, यानी कि इनको कलर किया है। जैसे ये हमारे शाह ग्लासी है ना, पहले ये भी ये जो होता था ना सीजी होंडा 125, उसका आपको मालूम है कि वो भी कलर नहीं हुआ होता था, तकरीबन 3 तक ऐसे ही आया है। लेकिन CD70 जो होता था वो कलर हुआ होता था, लेकिन ये नहीं हुआ होता था, तो उन्होंने इसको भी कलर कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो एक उन्होंने ये मोनोग्राम तब्दील किया, और साथ ये लाइट लगाई, और साथ ये जो आपको मैं बता रहा हूँ हब वगैरह उन्होंने सब को निकल कर दिया, जिससे इसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है, क्योंकि पहले आप देख सकते थे कि वो बिल्कुल सादा ही हुआ करता था, ठीक है। तो अगर हम पीछे जाते हैं तो सेम वही चीज़ है। तो इसमें जो कंपनी ने एक बड़ी तब्दीली की है वो की है इसकी सीट की, तो मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ, अब खोलना मुनासिब नहीं है। तो ये सीट का जो बैग नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसको हम सीट पत्रा बोलते हैं, वो कंपनी ने प्लास्टिक का बना दिया, जो कि पहले लोहे का होता था। तो इसका फ़ायदा क्या होगा प्यारे भाइयों, के जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो एक और आपको तब्दीली बताता हूँ, ये शापर है इसके ऊपर ये उतार कर, तो ये अगर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो कवर का डिज़ाइन है, ये भी कंपनी ने तब्दील कर दिया है। तो अगर आप यहाँ से देखें हो तो उन्होंने इसके ऊपर भी CG लिख दिया है, तो इसकी भी शेप उन्होंने तब्दील कर दी, और सीट जो है वो काफ़ी नरम है। अभी हम इसके ऊपर सफ़र करके आए हैं, तो काफ़ी ये जो है आरामदेह है, ठीक है। तो बकाया अगर पीछे से देखते हैं तो उसी तरह ही है जैसे 22-23 वो था, ठीक है। तो रियर जो हब है प्यारे भाइयों, उसके अंदर भी कंपनी ने वो ही सेम जो जैसे फ्रंट वाला उन्होंने कलर किया है, इसी तरह उन्होंने रियर भी जो है कलर कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि इसमें खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो होता था उसमें इतनी खूबसूरती नहीं थी, वो अजीब सा ही लग रहा था। तो बकाया इंजन का निज़ाम वही है जैसे कि पहला था, ठीक है, सिलेंडर भी वही है। तो बकाया इंजन की मेन शेप जो है वो वही है जो पहले थी। तो ये उन्होंने बड़ी तब्दीली की है सीट की, ये आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अभी हम ये शापर जो है उसका ऊपर ही लगा देते हैं जैसे उन्होंने लगाया था, ठीक है। तो बकाया अगर ग्रिपों वगैरह की बात करते हैं तो वो सेम वही हैं जो पहले होती हैं, उसी तरह की हैं, ठीक है।
तो मीटर के अंदर उन्होंने थोड़ी सारी इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज की है। तो बकाया मोटरसाइकिल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आप अगर इधर से भी देखें तो ये देखने में ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो वो इसके ऊपर कंपनी ने लिखी होती है, तो 2,34,900 रुपये इसकी कीमत है, कागज़ों के पैसे जो हैं दोस्तों वो अलग है। ठीक है, तो मज़ीद और कुछ मुझे तो कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई, ये जो कुछ चीज़ों की तब्दीली थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वो क्या टापे शापे सेम वही हैं, तो और कुछ चीज़ में इन्होंने कंपनी ने तब्दीली नहीं की है। बकाया मोटरसाइकिल ये अच्छा है, हमारे इलाके में लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें जो देखने में कलर मिले हैं दोस्तों वो दो ही हैं, एक फुल ब्लैक और एक जो है वो सुरख है। तो दोस्तों अब हम अपने जो भाई हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदा है उनसे मुलाकात करा देते हैं। तो ये भाई आबस साहब हैं जो कि सऊदी अरब में होते हैं, तो अभी 6 माह के लिए छुट्टी आए हैं, जिन्होंने ये मोटरसाइकिल ख़रीदा है। तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़-अमान में रखे और इसकी हिफाजत भी जो है वो अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये हमारे इलाके में चोरी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी आज ही ये लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह इसकी अभी सेटिंग वगैरह हम करेंगे, सेफ गार्ड वगैरह पैदान अभी हमने लगाने बाद में लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके माडी गार्ड भी जो होते हैं ना उनको हमने निकल करना होता है, यानी कि कलर करना होता है, वो भी हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो जो नया मोटरसाइकिल आता है आपको दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह ही आता है। ठीक है ना, कोई चीज़ साथ नहीं होती, बकाया सेफ गार्ड पैदान वगैरह हर चीज़ होती है ना वो आपने बाद में ही लगवानी होती है। तो कलर अपना मार्क ही दिखाना मेन मकसद था, तो वो आपने देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, कारामद होगी, क्योंकि जो हमारे भाई बाहर से आते हैं उनकी च्वाइस होती है और वो पूछते रहते हैं कि उस्ताद जी ये जो नया मॉडल है वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका मार्का कैसा है, उसकी कीमत क्या है वगैरह वगैरह, और काफ़ी भाई सवाल करते रहते हैं कि उस्ताद जी उसमें कंपनी ने क्या क्या तब्दीली की है। तो मैंने कहा चलो इसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, ताकि जो भी भाई हैं उन तमाम को उनके सवालों के जो जवाब हैं वो मिल सकें। ठीक है ना, तो मोटरसाइकिल बकाया अच्छा है, तो मॉडल भी ये जो है ना 24 ही है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो अभी तो फ़िलहाल मिल रहा है, बगैर बुकिंग के मिल रहा है, तो शायद पहले या दूसरे माह में ये फिर बुकिंग पे आ जाए। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो पहले ले लें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।